अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी न्यू बुक केमिस्ट्री का पेज नंबर 13 में टॉपिक कंपाउंड्स एंड मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड्स, द डेफिनेशन इज द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एज अ रिजल्ट अ न्यू एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज पजेसिंग सब्सटेंस फॉर्म्ड। यानी आपस में जो कंपाउंड सब्सटेंस मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं। तो केमिकली किस तरह बॉन्डेड हो सकते हैं, ये दो तरीक़ों से बॉन्डेड हो सकते हैं। आयनिक बॉन्ड्स के ज़रिए या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें आयनिक कंपाउंड्स की, तो सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम ब्रोमाइड, और कोवलेंट कंपाउंड्स में हमारे पास वाटर, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड के कंपाउंड्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फिजिकली कंपाउंड विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो इज नोन एज मिक्सचर। यानी केमिकल्स जो हैं या सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होते, उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वैसी ही रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड्स कौन से हैं, फिल्ट्रेशन है, एवेपोरेशन है, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ये ऐसे मेथड हैं जिनसे हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, एक है होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कैसे कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच ऑल द सब्सटेंसेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। सॉल्ट वाटर है, एयर है, ब्लड है, इसमें कोई भी चीज़ अलग अलग आपको विजिबल नहीं होती। सॉल्यूशन जो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर का होता है, इसमें आपको सॉल्ट अलग अलग नज़र नहीं आता। अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर इन विच ऑल द सब्सटेंसेस आर नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे सैंड और वाटर की एग्जाम्पल ले लें, पिज्ज़ा, रॉक्स, चॉकलेट चिप, कुकीज़ हैं, ये सब हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अगर हम डिफरेंसेस मालूम करना चाहें कंपाउंड्स और मिक्सचर के, तो देर आर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो फर्स्ट है हमारे पास, अगर हम डिफरेंस को डिस्कस करें, फर्स्ट इस डिफरेंस को, तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, और मिक्सचर फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। सेकेंड डिफरेंस, constituent of compound lose their identity and form a new substance with new properties. Mixture mein constituent kaise hote hain, constituents of mixture retain their properties in a mixture. Compounds have fixed composition by mass, yani composition change nahi hoti, aur mixture have no fixed composition by mass. Compounds cannot be separated by physical means. The component can be separated by physical means in a mixture. यानी मिक्सर में अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स को, लेकिन कंपाउंड में हम ऐसा नहीं कर सकते। Every compound represented by chemical formula, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, लेकिन मिक्सचर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट शो एनी केमिकल फार्मूला। एक और डिफरेंस है, कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। होमोजीनियस मतलब यकसा कंपोजिशन होती है, चेंज नहीं होती। मिक्सचर हैव होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। इसमें हेट्रोजीनियस अभी हमने डिफरेंट टाइप्स में दो टाइप्स पढ़ी थी मिक्सचर की, जिसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन वाले मिक्सचर थे। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, और मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प
एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि इनकी कंपोजिशन जो है वो इवनली नहीं होती और फिक्स्ड रेशियो से आपस में कंपोनेंट्स नहीं मिक्स्ड होते। थैंक यू।